सभी को आज हम मिलते हैं परसेंटेज के टाइप टू में। आरआरबी एसएससी और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ऑल्स एग्जाम के लिए सुपर ट्रिक के साथ आज हम परसेंटेज के टाइप टू लेकर के आए हैं। इस तरह के प्रश्न जो है हुआ अक्सर क्वेश्चन ऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल को हम मात्र एक से दो सेकेंड में कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं कि ये बोर्ड पे बने रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहा है कि 40 का 30% क्या होगा, यानी कि 30% क्या होगा, पहले प्रोसेस से बनाएंगे 40 का मतलब गुना और 30, पहले वीडियो में आपको बताया गया था प्रतिशत का सिंबल हटता है, बट्टा में 100 आता है, क्या आता है वो 100 आता है। देखिए इसको बनाने का ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 तिहाई 12 आपका आंसर होगा। लेकिन और भी इसको आसान बनाने के लिए सेकंड मेथड देखिए करते क्या, क्वेश्चन क्या है, 40 का 30% बराबर वाट, करना कुछ नहीं है, ऐसे बनेगा कैसे, संख्या को संख्या से गुना करा दीजिए, संख्या को संख्या से गुना करा दीजिए, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, 4 3 कहिएगा सर कितना, 12 आपका आंसर हो गया। कहिएगा सर काहे सर, तो देखिए बुआ ये प्रतिशतवा के सिंबल से 2 को 0 तो हट ही न जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट संख्या में संख्या से गुणा करा दिए, 4 3 12 परसेंट के सिंबल से ई और ई शून्य गायब हो गए, यानी छोड़ देंगे, कट गया। ठीक है, देखिए अब कैसे बनता है, 2 सेकंड भी नहीं लगे आपको बनाने के लिए क्वेश्चन, आप देखिए नोट से बनाते हैं, सॉल्व कैसे करें, संख्या यहाँ 7 यहाँ 5, संख्या को संख्या से गुणा कराएं, बोले थे उनके साथ खेलना सीखिएगा, परसेंटेज के साथ खेल रहे हैं, 7 5 35 आपका आंसर तैयार हो गया। कहिएगा बिल्कुल सर बहुत जबरदस्त ट्रिक है सर, एकरा में देखिए 25 है, एकरा में 3 हो, संख्या को संख्या से गुणा करा दीजिए, 25 3 कितना होगा, तो कहिएगा सर 25 3 75 होगा, 2 को 0 नहीं है बुआ, यहाँ 1 को 0 है, तो 1 को 0 है तो कोई बात नहीं है, 1 को 0 तो कटिए ना जाए, बच गया 1 को 0, तो 1 को 0 बच गया, तो वो बात याद रखिए आप लोग, 1 को 0 बचा तो 10 अंक में आएगा, 1 0 तो 1 अंक के बाद 10 अंक, 2 0 तो 2 अंक के बाद 10 अंक, तो यहाँ 25 3 75 लिख दिए, 1 को 0 तो परसेंटेज वाला से कट गया, 1 को 0 बचल, ध्यान दीजिए 10.1 अंक बाद लगा देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब वही प्रश्न इंग्लिश में से कहा है कि 65% ऑफ 90 का मतलब है कि 90 का 65% कितना होगा, अभी तुरंत बताए थे कि अंक से अंक को यानी संख्या को संख्या से गुणा करा दीजिए, गुणा कराइए बुआ, तो आपको आता है गुणा कराना, कैसे कराएंगे, तो देखिए 5 9 45 के 5 हासिल होगा 4, आ 6 9 कितना, तो 54, 54 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 54 4 58 हो जाएगा, आ 10 अंक पर 1 बार लगाइएगा, 1 अंक बाद लगा दीजिए 58.5 आंसर हो जाएगा। अब देखिए तुरंत बताए थे संख्या को संख्या से गुणा करा दीजिए, तो इधर संख्या है कितना बउआ, यहाँ कहिएगा सर 7, यहाँ कहिएगा 9, तो 9 7 63, या कहिएगा 7 9 63, और दोनों सुनना है ताकि 1 के बाद 10 अंक नहीं होगा, बात खत्म, काहे की प्रतिशत के सिंबल से दोनों सुनना कट गया, आई बात समझ में, आज 1 को 0 रहेगा तो 1 अंक के बाद 10 अंक लगाएंगे, काहे की प्रतिशत के सिंबल से 2 को 0 होता है तो 1 को 0 कटेगा, तो बच्चा न रहेगा नीचे बटन में, तो ऊपर वाला जैसे कहते से नीचे 1 अंक हटेगा तो 1 अंक के बाद 10 अंक, देखिए अब एकरा बनाइए 145 यहाँ 3, 145 गुणिए 3 कर दीजिए, तो देखिए कितना होगा,
कहिएगा पांच तिया ईश्वर पंद्रह हासिल हो गए बे, चार तिया बारह तेरह के तीन हासिल हो गए बे, आ तीन आए चार आ दशमलव का अंक बाद दशमलव एक अंक बाद ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह के और भी शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए परसेंटेज के हम लोग मिलेंगे टाइप 3 में। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा।